हेलो एवरीवन एंड यू आर वाचिंग कॉलेज टूर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MGAP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एडमिशन प्रोसीजर के बारे में एंड फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। बट उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस दी बेल आइकन फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। MGAP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी को हम महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। ये यूनिवर्सिटी ईयर 1975 बरेली में एस्टैब्लिश हुआ था। ये एक स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है जो UGC के थ्रू अप्रूव्ड है एंड एक्रेडिटेड बाय NAAC विद ग्रेड बी। ये मेरिट बेस्ड एंड नीट बेस्ड स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाता है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो फॉर UG प्रोग्राम्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यू हैव टू क्लियर योर 12th क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड फॉर PG प्रोग्राम्स यू शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर इसके एडमिशन प्रोसीजर की बात की जाए तो इसके लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं एंड जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे आपको 3,000 to 40 lakh अप्रॉक्स स्पेंड करना होगा अकॉर्डिंग टू योर कोर्सेज। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अबाउट MGAP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।